नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। रामनगर मरवाड़ी धर्मशाला में आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर, जिला प्रशिक्षण शिविर व 3 दिवसीय का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भागीरथी देवी व प्रदेश उप अध्यक्ष शिव नारायण महतो ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण चलेगा। सांसद राम सिंह, पंकज झुनझुनवाला, प्रमोद शाह, दीपक दुबे, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंपारण से कृष्ण कांत तिवारी की रिपोर्ट। मंडल और तक प्रशिक्षण चलता है शेषक, और कोरोना काल को लेकर यह नहीं हो पाया था, इसलिए प्रदेश से निर्देश हुआ कि प्रशिक्षण कराना है। तो अब देख लिया 17-18 केंद्रित, मतलब कहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, पार्टी के बारे में क्या बताया जा रहा है? पार्टी के बारे में 14 बिंदु है, जिसे व्यक्ति विशेष प्रदेश उपाध्यक्ष उन्होंने बोला है। फिर आ रहे हैं भिक्षु भाई दाल सत्या जी, वे बोलेंगे पार्टी के संगठनात्मक बिंदु पर। हमारे सोशल मीडिया बारे में अनमोल सोबित जी बोल रहे हैं, तो भिन्न भिन्न अलग अलग लगा हुआ है। 3 दिन का कार्यक्रम, पार्टी के विकास कैसे 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 क्या, उसी बारे में चर्चा हो रही है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि प्रत्येक के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किस रूप में हमको रहना चाहिए, अपनी क्या पहचान साफ छोड़ना चाहिए, जिसे हमारी पार्टी की पहचान बना रहे हैं, हमारे पक्ष में लोग बना रहे हैं, इस बात को हम प्रकाश सभा निकलवा रहे हैं, डाल रहे हैं। इनमें अलग अलग विषय पर चर्चा होती है, 15 विषय में भारतीय जनता पार्टी का सैद्धांतिक अधिष्ठान है, इतिहास विकास है, व्यक्ति विकास है, फिर क्या कहता है सरकार को उपलब्धि है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का, भारत और नेपाल के बीच में रिश्ता पर चर्चा है, ऐसे अलग अलग विषय करके हम कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? 3 दिनों का है, रामनगर में 3 दिन, आज प्रारंभ हुआ, परसों समाप्त।